लोन पर फोन अब मौका है सस्ता नहीं अच्छे मोबाइल लेने का, देर न करें आज ही आए। हमारा पता मसाजा कलेक्शन प्रिंस मोबाइल जलपुन्ना का पुलिस चौकी के सामने, सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज उपलब्ध। फास्ट फैशन मेंस किड्स व गर्ल्स शोरूम, रेनकोट जीन्स शर्ट टी शर्ट कोट पैंट इंडो वेस्टर्न लोवर के ढेर सारी वेरायटी में उपलब्ध। पता बस स्टैंड रोड दमोह। दमोह जिले की जवेरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बनवार में भ्रष्टाचार की चरम सीमा की शिकायत गांव के ही निवासी अभिषेक खरे के द्वारा हमें बताई गई। उनका कहना था कि लाखों रुपए का भ्रष्टाचार सीसी सड़क निर्माण में किया जा रहा है, जिसमें सरपंच सचिव रोजगार सहायक उपयंत्री व जनपद के अधिकारियों की मिलीभगत है। इस मामले की तह तक जाने के लिए जब हमने अपने वरिष्ठ संवाददाता मनोहर शर्मा जी से बात करना चाही और उनसे इस बारे में जानकारी की, तो उन्होंने सारे साक्ष्य इकट्ठे करके हमसे बातचीत की। इस संबंध में क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। भैया, एक बनवार की सूचना आई थी सीसी सड़क का निर्माण हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, क्या कहना है उस संबंध में आपका? नहीं, बनवार की जो खबर आई है यदि वो किसी सड़क से संबंधित है जी, जो एक सड़क बन रही है जी, सुरेश अहरवाल के घर से लेके किसी बंसल के घर तक जी, तो उसका सड़क का काम चालू है। और लोगों का कहना ये है, जो मीडिया है छुटपुट मीडिया जो खबरें निकाल के लाता है जी, वो एक्चुअली खबरें पूरी रहती नहीं है, आधी अधूरी रहती है, उसमें आधा सच रहता है आधा झूठ रहता है। यदि किसी सरपंच ने पैसे निकाल लिए हैं, इसका मतलब वो खा थोड़ी गया है, उसने पैसे निकाले हैं 6,30,000 6,20,000 जो भी निकाले हैं जी, तो उसने पहले नीचे सड़क बनने के पहले बेस बनता है जी, बेस में जो सामान डाला जाता है मुरम वगैरह डाला जाता है, उसमें मुरम डाली है उसने, उसमें मजदूरों से काम करवाया होगा तो उसने मजदूरी के पैसे लिए हैं। अब ये अलग-अलग मैटर है कि मजदूर वही हैं जो नहीं हैं, जो जिनने काम किया है जो मजदूर इनके अलग, हालांकि हर ग्राम पंचायत में मजदूर जो हैं इन्हें अपने परमानेंट सेट किए हुए हैं, जो इनके घर परिवार रिश्तेदार आसपास के रहते हैं, ताकि उनको पैसे वापस लेने में दिक्कत ना जाए जी। तो मजदूर यदि उन्हें दर्शाए हैं, आपका कहना है कि 20 मजदूर लगे थे, तो हो सकता है 20 मजदूरों ने काम किया हो, वो सही है। दूसरी चीज ये है कि उसने पैसे निकाल लिए। सबसे महत्वपूर्ण तत्व तो उसमें यह है कि किसी जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले का बिल लगा हुआ है जो जवेरा में है जी। वो जैन कंस्ट्रक्शन वाला क्या सीमेंट जवेरा से भेजता होगा, क्या लोहा जवेरा से देगा? इसमें सेटिंग होती है लोगों की, ये अपना कहीं से लेते हैं, कहीं का बिल लगा लेते हैं, लेकिन पैसा निकाल के यदि काम हो रहा है, धरातल पे दिख रहा है, तो उसमें कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो इसमें जो आरोप है कि मतलब पैसा निकाल लिया गया है और रोड का काम नहीं हुआ है, इसको आप गलत मानते हैं फिर? देखिए अग्रवाल जी, पैसा तो आप जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो अपने घर से पैसे जेब में रख के ले जाएंगे, तब तो आपको सामान मिलेगा जी। बिल्कुल, सामान खरीद के लाएंगे फिर आप उसका उपयोग करेंगे जी। इस बीच में यदि कोई कहे कि आपने पैसे निकाल लिए या भ्रष्टाचार कर लिए, तो ये तो गलत आरोप है जी। एक समय अवधि पूरी होने के बाद, एक समय अवधि, आप किसी को आप काम करने के लिए समय अवधि तो देंगे जी। और इस बात की जानकारी इसके संज्ञान में मैंने जवेरा जो सीओ हैं अवधेश सिंह जी, उनसे बात की, उनका कहना है कि हाँ काम चालू है। जो इनके सब इंजीनियर हैं जी मिस्टर प्रजापति, उनका कहना है कि मैं कल गया था और मेरे सामने मुरम मुरम टल रही थी, तो अधिकारियों के संज्ञान में है, अधिकारी काम देख रहे हैं। और किसी पर मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं अग्रवाल जी, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं वास्तविक स्थिति बता रहा हूं कि मीडिया कर क्या रही है, आधे सच को आधा झूठ, आधे झूठ को आधा सच कर रही है। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये जो जानकारी मीडिया में आती है जी, ये वास्तविक होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधी अधूरी रहती है, ये जानकारी पूरी आना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि मैं आपके चैनल से जुड़ा हूं जी। आप एक प्रतिष्ठित पोर्टल चला रहे हैं, एक प्रतिष्ठित चैनल चला रहे हैं जी, तो भ्रष्टाचार जब तक सारा का सारा सिद्ध नहीं हो जाता तब तक किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है अग्रवाल जी।